हरियाणा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। यहाँ पर भी उनको काफी लोगों का समर्थन मिल रहा है। पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में भी कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी रूठे हुए नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। इस बीच शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी का नाम लिए बगैर बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चुनाव जीते या हारे पार्टी का संघर्ष विरोधी विचारधारा के खिलाफ निरंतर जारी रहेगा। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, पर राजनीतिक पार्टी की यात्रा है। राजनीतिक मकसद है आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको आगे ले चलने के लिए कांग्रेस संगठन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। इस हाथ से हाथ जोड़ा अभियान के माध्यम से कांग्रेस संगठन हर एक राज्य में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर करेगा। ये कभी नहीं हुआ है, इस भारी मात्रा में कभी अभियान नहीं किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना, 6 लाख गांव तक पहुंचना और 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचना, भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर घर घर जाना और हर एक घर में राहुल जी की ओर से जो खत मैंने कल रिलीज किया है अलग भाषाओं में, वो दिया जाएगा हर एक घर में, और हर एक घर में मोदी सरकार की विफलताएं जो हैं उनके खिलाफ जो चार्जशीट हमने तैयार की है, जो उनके झूठे वादे हैं, जो उन्होंने कहा और जो नहीं किया, उसकी भी एक दस्तावेज हम हर घर तक पहुंचाएंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को पंजाब में भी लोगों ने उत्साहपूर्ण तरीके से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधाराओं की है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। चुनाव आएंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सिर्फ चुनाव को केंद्र में रखकर राजनीति नहीं चल सकती, विचारधारा भी जरूरी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की 16 जनवरी से प्रदेश में सभाओं और जनसंपर्क की शुरुआत करने की घोषणा पर कहा कि वहां का ऐसा समाधान ढूंढा जाएगा जो संगठन के लिए फायदेमंद होगा और पार्टी को मजबूत करेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान प्रभारी सुखविंदर रंधावा और कई नेता कुछ हल ढूंढने में लगे हुए हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में जो एकता, अनुशासन और एकजुटता हमें देखने को मिली है, उससे मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा जो संगठन के लिए फायदेमंद होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।